नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में निकाय चुनावों को लेकर हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आज बात होगी इस नगर परिषद के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर अब तक राजनेताओं का ध्यान सबसे कम गया है। लेकिन आज हम शहर की एक ऐसी बीमारी कहिए, एक ऐसे मुद्दे को कहिए जिसको उठाने वाले हैं। ये है डबवाली ट्राई सिटी में नशे की अवैध तस्करी। चूँकि डबवाली के 21 वार्डों में सबसे बड़ी समस्या हर एक महिला, हर एक व्यक्ति की तरफ से जो बताई गई है वो यही है कि यहाँ पर चिट्टे की अवैध तौर पर तस्करी होती है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के साथ साथ शहर में अब नशे के कारोबार पर अंकुश लगाना भी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे सिर्फ इंडिकेशन के तौर पर, जो कि पुलिस पर सबसे बड़े सवाल हैं। हालांकि सिरसा पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन की तरफ से ऑपरेशन क्लीन चलाकर नशे के खात्मे के लिए जंग लड़ी जा रही है, मगर ये ट्राई सिटी डबवाली है जिसकी सीमाएं पंजाब और राजस्थान के साथ सटी होने की वजह से यहां पर अवैध नशे की तस्करी होती है। इस चुनाव में हर व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है कि साहब नशे को रोकने का आप कोई मास्टर प्लान लाइए। इसलिए इस बार इस शहर की छोटी सरकार को चुनते वक्त लोग जब वोट डालेंगे तो उनके ध्यान में ये मुद्दा सबसे सर्वोपरि रहने वाला है कि यहाँ पर नशे का अंत होना चाहिए। काफ़ी लंबे वक्त से डबवाली नशे की शुष्क बंदरगाह के तौर पर देखा जाता है, लेकिन शहर में जिस तरीके से बढ़ते नशे की वजह से ना सिर्फ माँ की कोख सुनी हो रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है जो डबवाली पुलिस के साथ साथ लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ऐसे में नगर परिषद में ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, जिसको लेकर इस बार चेयरमैन के दावेदार भी इस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं कि शहर में नशे की बढ़ती सप्लाई पर रोक लगाना भी एक मुद्दा रहेगा। भले ही इस शहर में समस्याओं का अंबार है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बीमारी नशे की है, क्योंकि शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से ऐसी शिकायतें और आरोप लोगों की तरफ से ना लगाए जाते हों। हालांकि यहां के एमएलए साहब की तरफ से, यहां के कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ से इसे पुलिस जिला बनाए जाने की कवायद की गई है, मगर उसमें गठबंधन सरकार का एक हिस्सा इसे पुलिस जिला बनाने के लिए राजी नहीं है। वहीं पर सत्ता रूट पार्टी के अलावा विपक्ष में कांग्रेस के विधायक ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, विधानसभा की पलक पर इसको फलक के ऊपर ले जाने का काम किया, लेकिन इस बार के चुनाव में वोटर इस बात को ध्यान में जरूर रखेगा, क्योंकि यहाँ की सरहदें दूसरे प्रांतों के साथ सटी होने की वजह से बड़ी आसानी के साथ वहाँ से नशे की तस्करी होती है और आपराधिक घटनाओं को वहाँ से एंट्री के साथ साथ एग्जिट का रास्ता भी मिल जाता है। तो ये सवाल है, क्या इस बार के नगर परिषद के चुनाव में यहाँ का मतदाता इस नशे रूपी बीमारी को ख़त्म करने की मुहिम के साथ क्या वोट पोल करेगा। लगातार एजेंडा आई डबवाली लेकर हम आते रहेंगे, इस चुनाव में हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।